बीते सप्ताह सरसों, सोयाबीन, बिनौला सहित सभी खाद्य तेलों में मंदे के भाव सप्ताहांत में पुनः बाजार उछल गए। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सीपीओ के सटोरियों द्वारा भाव बढ़ा दिया गया, जिसके चलते यहां नीचे वाले भाव पर फिर से जमाखोरी बढ़ गई। इन परिस्थितियों में कुछ दिन बाजार में अकड़ बरकरार रहेगी। आलोच्य सप्ताह के शुरुआत में देश की मंडियों में सरसों की आवक 1 लाख बोरी से बढ़कर 1,40,000 बोरी प्रति दैनिक रह गई है, जिसके चलते निवाई, टोंक, सुमेरपुर लाइन की सरसों जयपुर पहुंच रही जो है वो 250 रुपये गिर कर 7,525 रुपये प्रति क्विंटल 42% कंडीशन वाली GST अतिरिक्त रह गई है। इसका तेल भी जो ऊपर में 15,850 रुपये तक बिका था उसके भाव 15,425 रुपये तक रह गए, लेकिन उसके बाद यूपी, राजस्थान और महाराष्ट्र में मौसम खराब होने से तथा मलेशिया में सीपीओ के भाव $15 प्रति टन तेज होने से पुनः तेल मिलों के लिवाली बढ़ गई तथा स्टॉकिस्ट भी माल बेचने से पीछे हट गए, जिसके चलते सरसों वहां फिर से बढ़कर 7,925 रुपये 42% कंडीशन वाली हो गई तथा तेल भी दोबारा 16,150 रुपये की ऊंचाई पर जा पहुंचा। इसी क्रम में यहां भी सरसों लॉरेंस रोड पर 42% कंडीशन वाली 7,400 से गिरकर 7,200 रुपये नीचे में बनने के बाद पुनः 7,500 रुपये शनिवार को हो गई थी। इसके तेल में भी इसी क्रम में नीचे में 15,400 रुपये बिकने के बाद 15,900 रुपये हो गया। सोया तेल भी 200 से 250 रुपये बढ़कर इटारसी लाइन में 12,150 रुपये एवं इंदौर लाइन में 12,250 रुपये बिकने की खबर रही थी। यहां भी सप्ताह के पूर्वोध में घटने के बाद अंत में 100 रुपये तेजी लिए बाजार बंद हुए। बिनौला सीड में हाजिर माल की कमी होने से तेल बिनौला 300 की बढ़त पर 11,800 रुपये का व्यापार यहां सुना गया। वहीं चावल तेल में ग्राहकी कमजोर होने से 150 घटकर 9,750 रुपये में तेल का व्यापार होने की खबर मिली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV। अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप नहीं, हर दुकानदार की बस एक ही ऐप, बिग ब्लिस। बिग ब्लिस चुने, केवल 30 सेकंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाएं, अपने कारोबार को बढ़ाएं, मुनाफा कमाएं, खुशियां कमाएं। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।